आप लग रही है ना तू अच्छी। अबे नहीं, अबे नहीं। हेलो फैमिली, कैसे हो फ्रेंड। शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, कसम से हल्की हल्की बारिश चल रही है। सच्ची में निचल तो गया ट्यूशन, बोला था पापा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है चले जा, लेकिन उसको दादाजी ने बोले थे कि उसको ट्यूशन नहीं जाने के लिए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है, वो बोला नहीं पापा मुझे पढ़ने के लिए जाना है ट्यूशन। मैं बोला ठीक है भाई तू चले जा ट्यूशन। क्या बात है बेबी, इतने दिनों बाद बाल धोए हो, ये क्या पागलपंती है? पागलपंती क्या है, तो साइड तो रख ले जब तूने बाल धोए हैं। अब दिमाग खराब है, मेरी मर्जी में साइड रखूं नहीं रखूं। हाँ दया, तो कितना अच्छा मौसम हो रखा है कसम से, बारिश आ रही है सच्ची में है। इधर तो आजा, बालकोनी में तो आजा, बालकोनी में तो आजा कसम से। चाय बना रही हूँ मैं, बहुत दिमाग खराब है। तो फिर ऐसे रखना बालों को। क्या बात है बेबी, बारिश में चाय। ओए होए, पकौड़े भी बना लेती जैसे कल बनाई थी पकौड़े हैं। मौसम ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा चल अंदर चुपचाप चाय पीने के लिए। दिमाग खराब मत करो मेरे। चल ली कि नहीं चल ली यहाँ पे, क्या नजारे चल रहे हैं, चल। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? चल ली कि नहीं चल ली है, जाके बैठ घर में, वहाँ पे चाय पी। नहीं आ रही बा, फिल्म चल रही है यहाँ पे। हाँ तुम्हारी बारात आ रही, वही देख। अब ठीक है, यहीं पे बैठ के चाय पी, यहाँ से हिलना नहीं है, चुपचाप यहीं बैठ के चाय पीना है। दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बारिश के नजारे नहीं लेने, बारिश के नजारे देख रही है। सामने से देख लो, वहाँ तो पानी ज्यादा आ रहा था बारिश। कौन है वहाँ पे हैं? हम तो यहीं पे खड़े तेरे आशिक। चप्पल मारूंगी। बहुत तेज बारिश हो रही है कसम से दोस्तों। निश्चल तो ट्यूशन गया है, 5:30 बजे का टाइम है। अब लगता है मेरे को ट्यूशन से निश्चल को लेके आना पड़ेगा। फालतू की बकवास मत करो, ठीक है ना? अभी मैं गिर जाती तो क्या हो जाता, खुद खड़े हो नहीं थे मदद को। तेरी मम्मी ने घी खिलाया है, हड्डियां मजबूत है तेरी। हाँ नहीं गिर रही तू? हाँ तो आप गिरा के तोड़ोगे? क्या दिमाग मत खराब कर, अपना काम करो जाके। हम नीचे को लेने कौन जाएगा ट्यूशन से? जाओ पूछो। मैं नहीं जा रहा, तू जा, बारिश हो रही है। अभी नहीं जा रही मैं, जा घर में जाके बैठ चुपचाप। नहीं बैठी, क्या कर लोगे? नहीं जा रही, दिमाग खराब कर रही। आप लग रही है ना तू अच्छी। ये कौन सा मतलब है, ये क्या पागलपंती आपकी? क्यों अच्छी दिख रही है आप सच्ची में? आपने मेरे बालों को छू लिया। अबे नहीं, अबे नहीं। क्या क्या पागलपंती क्या हो रखी है आपकी? फिर से एक बार और कर ले ऐसी हेयर स्टाइल, कसम से बड़ी अच्छी लग रही है। अरे बड़ी अच्छी लग रही है कसम से। ओहो आपको, ओए सॉरी यार, जरा फालतू बकवास मत करो मेरे साथ। अबे नहीं यार, सॉरी यार, अबे नहीं, सॉरी बेबी सॉरी। हम अपने बाल बांध दी लेते हैं। अरे नहीं यार, तू खुले बालों में अच्छी लगती है यार, कसम से यार। मेरे से फालतू बकवास मत करो यार, तू जब कॉलेज में आती थी ना तो खुले बाल में अच्छी लगती थी। अरे यार मुझे जूड़ा पसंद नहीं है यार, प्लीज यार। चुप रहो, मेरे बाल मैं अपनी मर्जी से करूंगी, तुम्हारी मर्जी से करूंगी। या तो मेरी मर्जी से खुले बाल भी रख लो। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे बालों को हाथ कैसे लगाया? क्यों जब कॉलेज में आते थे बड़ी जुल्फे दिखाते थे अपने? जुल्फे दिखाते थे? अब पागल उत्तर मेरे को भूत बना दोगे? सॉरी बेबी सॉरी यार, यार मुझे ना तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे आज, कसम से। आज आपने मेरे को पागल बना के रख दिया। अरे यार जब तू कॉलेज में ना खुले बालों में आती थी कसम से बहुत ही अच्छी लगती थी सच्ची में, सॉरी यार। और तू ना ऐसे भी ना 7-8 दिनों बाद बाल धोई है। हाँ, 8 साल बाद धोई है, बोल दो ना। 8 साल बाद? जा 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 माइक जा, फिर माइक जा। तो बकवास मैं तभी तो बोलूं, बोली
लेकिन आज सुबह सुबह बदबू कहाँ से आ रही थी? अच्छा तेरे बालों में से आ रही थी। खुद में से आ रही होगी, खुद 50 दिन से नहाए जो नहीं हो। ठीक है यार, जाके निश्चल को ले आ यार, 6 बज गए यार, निश्चल को ले आ यार, 6 बज गए। देख गर्मी में तो 10-10 दिन तक नहीं नहाते और सर्दी में तो नहाते ही नहीं हो, पूरी भर सर्दी ही नहीं नहाते। ठीक है मैं जाके अभी नहा लेता हूँ, तुम जाके निश्चल को ले आओ यार प्लीज यार, बारिश हो रही है बेबी, ये देखो कितनी अच्छी बारिश चल रही है। खुद के पैरों में मेहंदी लग रही है, कल शादी है, जाके लियो। चल ठीक है यार मैं ही लेके आता हूँ। दोस्तों बारिश हो रही है, कसम से मैं जा रहा हूँ निश्चल को टी शर्ट लेने के लिए, क्योंकि सालू तो बोल रही है मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे को जाना पड़ रहा है। कसम से दोस्तों बहुत अच्छी बारिश हुई है सच्ची में, और जो ये पार्क है हमारा यहाँ पे भी पानी जमा हो गया, और निश्चल का ट्यूशन यहीं पे है, सोसाइटी में ही है, तो मैं अभी लेके आता हूँ क्योंकि सालू ने बोला जल्दी से जाओ, 6 बज गए और जल्दी से लेके आओ निश्चल को। चल आ गया दोस्तों ट्यूशन से, अब हम घर जा रहे हैं, एक ही छतरी है और इसी में हम घर जा रहे हैं। निश्चल बहुत ज़्यादा खुश है, बोला पापा बारिश हो रही है ना, आज ना बारिश हो रही है, कसम से मम्मी को बोलना पकौड़े बनाने के लिए। बेटा कल भी बने थे पकौड़े, ठीक है ना? मुझे खाने हैं। दोस्तों बहुत तेज हो रही है बारिश, कसम से तेरे से बड़ा कोई पागल है, अभी बारिश हो रही है और अभी बालकोनी की सफाई कर रही है, हैं? देख रहे हो कितनी बारिश हो रही है, फिर से आ जाएगा पानी यहाँ पे। तो अभी उतना तेज बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है? हद है यार, बेबी बारिश हो रही है, फिर से आएगी पानी। ओ बेबा दिमाग खराब है, ज्यादा बकवास मत करो बेबा, बेबी करते रहते हो, हटे यहाँ से। हद है यार, मैंने यही तो बोला थोड़ी देर बाद सफाई कर लेती है यार बालकोनी की। इस बेबी का, इस बेबा की तरह दिमाग खराब नहीं है, दिमाग संतुलन पे है, ठीक है? इसीलिए बारिश पड़ रही है, तो तेज नहीं पड़ रही इसलिए भाई फरमा। अब जब बारिश आएगी, जब पानी आएगा तो फिर कौन करेगा साफ, यानी मेरे को करना पड़ेगा साफ? एक काम करना, जब बारिश पड़ेगी ना फर्श पे लेट जाना और तितली की तरह उड़ने लगना, अपने आप फर्श साफ हो जाएगा। बेबी निश्चल आ गया, ठीक है ना, और तुम्हारे घर की सफाई भी हो गई है, तो जल्दी से निश्चल के लिए दूध हॉर्लिक्स बना दो। और मेरे को ये बताओ, ये देखो बालकोनी में फिर से पानी आने लगा, और देखो इतनी तेज बारिश हो रही है, और जो आपने सफाई किया था ना ये देख लो, फिर तुम बोलोगे कि आपको करनी है सफाई, ये देखो फिर से आने लगा ना यहाँ पे पानी। अब मेरे को बताओ कौन करेगा साफ बालकोनी को? मैंने तो बोल ही दिया था आप लेट जाना, थोड़ा बटरफ्लाई की तरह से करना साफ हो जाएगा। अच्छा यही दिन रह गए मेरे को बालकोनी साफ करने के लिए। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, जब बारिश होती है तो तू बीच बारिश में क्यों सफाई करती है बालकोनी की? जब बारिश अच्छी तरह से बंद हो जाए तब सफाई करो ना। जब बारिश आती है आप क्यों बरसाती मेंढक की तरह खुदकते डोलते यहाँ से? हद है यार। निश्चल के लिए आ गया दूध ब्रेड और हॉर्लिक्स, निश्चल को बहुत पसंद है दूध ब्रेड हॉर्लिक्स, है ना निश्चल? हमेशा ट्यूशन से आता है ना, तो इसको दूध ब्रेड हॉर्लिक्स जरूर चाहिए निश्चल को, कसम से। निश्चल आज बारिश हो रही है लेकिन मम्मी ने पकौड़े नहीं बनाए, क्योंकि कल बने थे बेटा पकौड़े, आज नहीं बनने वाले, कल बना देगी मम्मी पकौड़े, ठीक है? बारिश तो अभी भी हो रही है दोस्तों, कसम से मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है सच्ची में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय दोस्तों।